अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे जी कैश फ्लोस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज बेसिकली रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी अब नॉन करंट एसेट में देखेंगे, यहां पर सिर्फ आपने देखना है कि नॉन करंट एसेट्स है जी, ये तो फ्री नहीं हुई क्लास के टाइम, 2 बजे फॉरवर्ड होंगे, 2 बजे छुट्टी होगी। अच्छा जी, तो नॉन करंट एसेट्स हैं उससे कितना कैश इनफ्लो होगा और कितना कैश आउटफ्लो होगा वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम शो करेंगे। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट में देखते हैं, तो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो हम पेमेंट करते हैं उससे वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहली चीज आएगी। हम लिखेंगे पेमेंट फॉर। अच्छा, मैंने ये भी चीज रखी, मैंने परचेज नहीं लिखा, मैंने पेमेंट फॉर लिखा है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। सर आवाज ठीक नहीं आ रही। ओके सर, मैंने ये मोबाइल नहीं लगाया। जी अब ठीक आ रही है? यस सर, अब सही है। अच्छा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। इस नॉन करंट एसेट में पीपीई भी शामिल होगा, इंटेंजिबल एसेट भी शामिल होगा। तो हमने ये लेचर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर आप देखें ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, वहां से ही आप परचेज की अमाउंट निकालोगे। इसका मतलब वही लेचर जो है वो यहां बनाने की मुझे जरूरत पेश नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता एक चीज ध्यान में रखिए, पीपीई में कई दफा ये लेचर डिफरेंट तरीके से बनता है, वो मैं बना रहा हूँ। वर्किंग कौन सी है जी हमारी आज? पहले कितनी पड़ी थी? 9। वर्किंग 9 है आज। अच्छा, अब 9। अच्छा, ये स्पेसिफिकली मैं पीपीई का बनाऊंगा, वर्किंग 9 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप कहोगे ये तो पढ़ चुके हो, यस बिल्कुल पढ़ चुके हो, लेकिन वो जो पहले आपने पढ़ा था पीपीई का लेजर, वो WDV पर था, रिटन डाउन वैल्यू पर था। अब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो बना रहा हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट की बेसिस में। तो इसमें कॉस्ट की बेसिस पे हम फर्स्ट प्रेफरेंस भी देंगे। अच्छा, अब यहां पर उसी तरीके वही चीजें हैं तकरीबन मोर और लेस। ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा हमारा, ये हमारी एडिशंस हैं, एडिशंस, और ये एडिशन को मैं यहां क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर एक होता कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हम IAS 23 खत्म किया, अभी हमने IAS 23 के थ्रू जो भी हम कॉस्ट लगाते चले जा रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, अगर बोरिंग नहीं भी है तो चलो 23 नहीं भी लग रहा, तब भी आपकी कॉस्ट जितनी भी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या वो एसेट जो आप खुद डेवलप कर रहे हो, सारी कॉस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाती जाती है। जिस वक्त वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल कर यहां पर आती है, यानी पीपीई में, तो वो भी यहां पर आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये डेबिट साइड पे आएगा। इसके अलावा डेबिट साइड पे हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन आएगी, और यहां रीवैल्यूएशन कौन सी डेबिट साइड पे अगर लिखी है तो कौन सी वाली है जो इंक्रीज है। सेम इसी तरह अगर हम क्रेडिट साइड पे देखें तो एक तो हमारे पास डिस्पोजल आएगा, और यहां जो डिस्पोजल लिखनी है ना, वो कॉस्ट लिखनी है उसकी एसेट की, क्योंकि आप कॉस्ट पे बना रहे हो, जब WDV पे बना रहे होते हो तो फिर WDV लिखते हो, तो ये डिस्पोजल आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट रिवैल्यूएशन जब आप करते हो तो रिवैल्यूएशन में जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो क्लोज होती है यहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट में, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट।
और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट रीवैल्यूएशन में वो भी यहाँ आएगी, और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिक्लाइन हो रहा है वो भी यहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन डिक्रीज। एंड देन फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दिस वन। अच्छा, अब ये जितनी एडिशन आई है ये मेरी परचेज जरूर है, एग्रीड, ये मेरी परचेज, जरूरी नहीं है कि मैंने सबके अगेंस्ट पेमेंट की। कैश फ्लो में सिर्फ वो अमाउंट लाऊंगा जो मैंने पेमेंट की है। आपके ही ये नहीं क्वेश्चंस में, पास पेपर के क्वेश्चन जब हम करेंगे, इनमें बुक में भी दिया हुआ है, जब हम करेंगे तो ये चीज आपको नजर आएगी कि आपने ये एडिशन तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन यहाँ वो अमाउंट नहीं आ रही क्योंकि उसने अदर पेएबल भी दिए हुए हैं और लिख रहा है नीचे अदर पेपर आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बाय किया है, उसके गेंस अभी आपने पेमेंट नहीं की। तो अगर आप, मैं ये कहता हूँ जी 5 मिलियन का आपने बाय किया और नीचे 2 मिलियन के पेएबल है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आई हैव मेड अ पेमेंट ऑफ 3 मिलियन, मैंने 3 मिलियन की पेमेंट की, तो वो 3 मिलियन से रिलेटेड पेमेंट, ठीक हो गया। सेकेंड, proceeds from sales of या disposal of non-current asset. There is no need to for any working because proceeds is given in a question. ये given होती है, और अगर ना भी given हो तो easily निकल आती है, profit और loss दिया होता है वहां से, WDMA में plus minus करके निकाल लो, ठीक है। अगर आपने कोई भी नॉन करंट एसेट सेल किया है तो उसका जितनी प्रोसीड्स है वो आप यहां पर प्लस करोगे। अब जरा ध्यान में रखिए, मैंने आपको जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करवाई थी वहां नॉन रिकरिंग आइटम के तौर पर गेन ऑन डिस्पोजल हमने माइनस किया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि वो माइनस इसलिए नहीं हो रहा कि यह नॉन कैश है, ये कैश बेस्ड है, ये सिर्फ इसलिए माइनस हो रहा है कि वो ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता, वो इन्वेस्टिंग से रिलेट करता है, इसलिए हमने वहां से तो माइनस किया था और यहां मैं प्लस कर रहा हूं क्योंकि इस प्रोसीड्स में वो गेन शामिल है। यानी मैं जब कहता हूं 100 का एसेट 120 में सेल कर रहा हूं तो 120 माइनस किया मैंने और यहां 120 ऐड कर दिया, तो 100 एसेट वाली वैल्यू और 20 जो है वो आपका गेन वो इसमें प्लस हो गया, ठीक है जी। तीसरी चीज जो यहां आती है दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इसकी ऑलरेडी हम वर्किंग पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एड बैक करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस को और उससे नीचे देखे मैंने लिखवाया था इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम, तो ये वही तीन चीजें हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। अब पहले वहां प्लस माइनस की, क्यों माइनस की, अगेन नॉन रिकरिंग के, ये उससे रिलेट नहीं करता, ये इन्वेस्टिंग से रिलेट करता है, वहां से हमने इसको माइनस किया और यहां आके दोबारा ऐड कर दिया। लेकिन इसकी और उस अमाउंट में फर्क हो सकता है, क्यों, क्योंकि वहां जो अमाउंट है वो जी वो इनकम वाली है और ये रिसीव्ड वाली है, तो नॉन कैश खुद ही निकल गया, यानी इसमें भी नॉन कैश का एलिमेंट हो सकता है, वो भी निकल जाएगा। और इसकी वर्किंग हमने क्या बनाई थी, उसी वर्किंग का रेफरेंस दीजिएगा दोबारा, 8। ये ले, तीन चीजों से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेरी मुकम्मल हो गई। इसका मैंने आपको कल भी बताया था कि सब मेजर जो है वो आपका, हाँ जी, ऑपरेटिंग होगी, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, लेकिन ओवरऑल आंसर दोनों में हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी हो सकता है, परचेस बहुत ज्यादा हो। कल मैंने आपको एक इंटरप्रिटेशन में एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है दैट इज अ गुड साइन, लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा होगी, हो सकती है। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर माइनस में आ रहा है तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो, यानी ऑपरेटिंग से कैश अगर मैं जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इट्स अ गुड साइन कि जो कैश आप जनरेट कर रहे हो वो आगे बजाय ये कि आप उसको बिजनेस में होल्ड करो, आप उसको रिसाइकल कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, यानी आप फर्दर उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तो
तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब आइएगा कैश फ्लोज, आखिरी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. And financing activities are related to debt and equity. Debt and equity. इसमें दो element है, equity और debt. तो सबसे पहले equity की बात करते हैं. Equity से, equity में share, आपके पास cash कब आएगा? Cash कब आएगा? जब आप new share issue करेंगे. अच्छा, sole tradership हो, partnership हो, फिर तो simple capital है ना. लेकिन ज्यादातर मैं इसको जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो कंपनी के हवाले से भी कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल तो और ड्राइंग्स तो इजीली समझ में आ जाता है. तो इसलिए हम शेयर्स की बात करते हैं. तो अब मैं यहां लिखूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स. अच्छा, जो शेयर आप इशू कर रहे हो उससे जो कैश आएगा वो मेरा कैश फ्लो में रिप्रेजेंट होगा. अच्छा, अब तमाम शेयर जो आप इशू करते हो जरूरी नहीं है उसमें कैश आए. अब शेयर्स कौन कौन से होते हैं? बोनस इशू होते हैं, उसमें कोई शेयर नहीं आता, कोई कैश नहीं आता, ठीक है. या अगर आपने शेयर इशू किए अगेंस्ट परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, मैंने नॉन करंट एसेट खरीदा और उसके केस मैंने पेमेंट करने की बजाय शेयर इशू कर दिए, तब भी कैश मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है. तो इसलिए हमें यहाँ सिर्फ प्रोसीड वाले चाहिए. तो इसकी वर्किंग का आसान तरीका बताने लगा हूं. वर्किंग नंबर 10. अब दो कॉलम बना लो, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल के साथ साथ शेयर प्रीमियम भी होता है जो कि इसका लाजमी हिस्सा है. क्योंकि शेयर कैपिटल होगा तो प्रीमियम जनरेट होता है ना. व्हाट इज अ प्रीमियम? इश्यू ऑफ शेयर इन एक्सेस ऑफ इट्स पार वैल्यू. यानी एक शेयर जो है वो 10 रुपीस का है, मैं उसको 12 रुपीस में अगर पब्लिक को सेल कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, तो 2 रुपीस जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दैट इज अ प्रीमियम. एंड जैसे स्टॉक मार्केट में आपको जो शेयर है वो 10 रुपए का शेयर 20 रुपए का भी मिल सकता है, 25 का भी मिल सकता है. तो प्रीमियम इज नॉर्मली वेरी हाई, ठीक है, एक्सट्रीमली हायर होता है. अच्छा, अब इसमें हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे. पहले जब साल शुरू हुआ था तो शेयर कैपिटल कितना था? मैं इसकी मूवमेंट बनाता जाता हूं. अब मैंने अभी आपसे कहा दो किस्म के शेयर होंगे. एक शेयर वो होगा जो कैश जिसमें नहीं आ रहा वो पहले जीत देता हूं. तो मैं लिखता हूं जी बोनस इशू. जब आप बोनस इशू करते हो तो बोनस जो है वो शेयर प्रीमियम में से माइनस होता है और शेयर कैपिटल में ऐड होता है, प्रोवाइडेड कि प्रीमियम का बैलेंस मौजूद हो. लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है अगर प्रीमियम का बैलेंस मौजूद नहीं है या प्रीमियम का बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो यही बोनस आप रिटेन अर्निंग से भी इशू कर सकते हैं. लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, ठीक है. इसके बाद अगर आपने शेयर इशू किए अगेंस्ट परचेज पीपीई, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कोई आइटम जो आपने परचेज की है उसके अगेंस्ट आपने शेयर इशू किए हैं, क्योंकि बात है शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों आएंगे. अच्छा, अब एक लाइन छोड़ूंगा, एक लाइन. अल्हम्दुलिल्लाह. अब इसके बाद ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन. अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो ये कभी भी इसको इक्वल नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि मजीद शेयर भी इशू किए हैं. मैंने सिर्फ यहां वो शेयर लिखे हैं जो अदर देन कैश है, लेकिन बात है जो कैश में इशू किए हैं वो आ जाएंगे ना, ये कैश आ जाए. एंड दिस इज अ बैलेंसिंग अमाउंट. इसको मैंने लेजर में इसलिए लिखा, फिर दो लेजर बनाने पड़ेंगे.
मैंने एक ही वर्किंग में दोनों का, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा होता है एग्जामिनेशन में भी, तो इसके लिए कुछ हमें वर्किंग ऐसी लेनी पड़ती है या शॉर्ट तरीके से हम उसको कर सकें। अब ये जो अमाउंट आ रही है दिस वन, ये बी का वर्ड लिख रहा हूं बैलेंस, बैलेंस इन दोनों को ऐड करूंगा ना, ये कैश फ्लो में जाएगी, शेयर प्रीमियम प्लस शेयर कैपिटल, और ये प्लस में आएगा प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, उसके बाद शेयर्स पे हम पेमेंट किस चीज की करते हैं, डिविडेंड की, डिविडेंड की। लेकिन यहां जो डिविडेंड आना है ना वो पेड है, और जो रिटेन्ड अर्निंग में मैंने आपके साथ डिविडेंड डिस्कस किया था वो डिक्लेयर्ड है। अच्छा, अब आपको दो चीजें बड़े ध्यान से सुननी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। नंबर वन, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वही डिविडेंड है जो डिक्लेयर्ड है, वही डिविडेंड है जो पेड है, या एक दूसरे से डिफर कैसे कर रहे हैं, ये हमें कैसे अंदाजा होगा, वो कौन सी ऐसी चीज है जहां से मैं ये अंदाजा कर सकता हूं। याद रखिएगा, अगर आपके साल के एंड पर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है उसमें डिविडेंड पेएबल अकाउंट दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल गिवन है, तो याद रखिए जो डिविडेंड आप रिटेन अर्निंग में शो कर रहे हो और जो डिविडेंड जो अब आप मैं शो कर रहा हूं अब करने लगा हूं, ये दोनों डिफर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल नहीं है, है ही नहीं, तो जितना डिविडेंड ऊपर आ रहा है बस वही उठाओ वही यहां लिख दो, क्योंकि फिर इसका मतलब जितना डिविडेंड है वो सारा आपने पे कर दिया है, तो डिविडेंड पेएबल का लेजर तब बनेगा जब डिविडेंड पेएबल होगा। मैंने अभी आपसे बात की तो लेजर भी कौन सा बना, डिविडेंड पेएबल। साल शुरू होता है तो लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट। फिर जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, मैं पे नहीं कह रहा, डिक्लेयर जो एसओसीआई में डेबिट साइट पे आ रहा था, ये वो डिविडेंड है, ये वो अमाउंट है जो एसओसीआई में आएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और जितना डिविडेंड आपने पे किया है वो मैं फाइंड करूंगा, अब वो क्वेश्चन मार्क लगा लो, यही मेरी रिक्वायरमेंट है, और ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाएगा। ठीक है जी, ये डिविडेंड पेड। उसके बाद आइएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अच्छा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में यानी लॉन्ग टर्म लोन्स ही है ना, अब लॉन्ग टर्म लोन है चाहे वो डिबेंचर की फॉर्म में हो, बैंक लोन्स की फॉर्म में हो, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो बताइए कैश आपका बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब हम पे कर रहे हैं, तो ये दोनों में से एक ही एग्जाम में हो सकता है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर एक नॉन करंट लाइबिलिटी दी है तो फिर हम यहां लिखेंगे इंक्रीज अगर होगा तो हम प्लस में लिखेंगे, और डिक्रीज होगा तो उसके लिए हम रीपेमेंट का वर्ड लिख देते हैं, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। इसको करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो यहां आएगा। अच्छा, अब देखिएगा ये भी मुकम्मल होगी फाइनेंसिंग में, इसमें भी छोटा सा था। अब मेरे पास तीन अमाउंट आ चुकी है, एक अमाउंट ये पहले भी आ रही है जो कल पड़ी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो तो बाजार मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी मुकम्मल तब होगी जब रिकनसाइल करूंगा, इन तीनों को प्लस कर लेंगे पहले, या प्लस या माइनस आएगा इसके सामने मैं लिखूंगा नेट कैश फ्लोस ड्यूरिंग द ईयर।
इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये इनफ्लो या आउटफ्लो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, उसके मुताबिक हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब रिकंसिलिएशन आएगी। अब मैं लिखता हूं जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर, ऑब्वियसली इसके लिए मैं वर्किंग नंबर 12 बनाऊंगा। अब एक मिनट रहेगा तो ये बच्चों को भी मामला के बीच में जो हट गई बात है। ओके चलो, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग कैसे बनाओगे आप? ये नोट नंबर 12 या वर्किंग नंबर 12, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, जब आपने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बनाने हैं ना, तो दो कॉलम बना ले, एक स्टार्ट ऑफ द पीरियड और एक एंड ऑफ द पीरियड। बेशक मैंने अभी स्टार्ट लिखा है, लेकिन दोनों बनाएंगे आप। अब इसमें चार चीजें आती है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में मैक्सिमम। नंबर वन, कैश इन हैंड, ओपनिंग क्या है। फिर कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस कितना है, और अगर बैंक ओडी है तो वो भी तो हो सकता है ना। और फिर एक और ये माइनस होगा, और फिर जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सी वाली जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की वर्डिंग को फुलफिल कर रही हो। ये प्लस माइनस दोनों से। अच्छा, जब ये अमाउंट ए आती है, सपोज यहां मैं ये अमाउंट ए पुट करता हूं, अब इसमें ये अमाउंट प्लस माइनस करके जो ये आंसर निकालूंगा ना, ये एग्जैक्टली बी के इक्वल आना चाहिए। इसको हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। इसमें जो आपका परफॉर्मा है, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफॉर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह आपको ज़ेहन नशीन होना चाहिए।
ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो यहां तक? बुक निकालिए सर, वो जो आपने सर आपने जो एग्जांपल में उस दिन गिल्ड एज सिक्योरिटी के साथ जो शेयर्स दिखवाए थे, आपने कहा था वो इन्वेस्टिंग में जाएंगे, और सर ये जो फाइनेंसिंग में जो शेयर्स हैं ये उससे किस तरह डिफरेंट है? मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। सर आपने उस दिन एग्जांपल लिखवाई थी ना गिल्ड एज सिक्योरिटी की एंड शेयर्स वाली, जिसमें आपने कहा था कि ये जो गिल्ड एज सिक्योरिटी है ये कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, और जो शेयर्स हैं आपने कहा था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टिंग में जाएंगी। तो सर जो फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, तो सर ये हम डिफरेंट शेयर किस तरह करेंगे इन दोनों के? भाई मेरे, आप फिर दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, फिर दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, फिर दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। अल्लाह के बंदे दिमाग हाजिर रखा करो। जो यहाँ फाइनेंसिंग में वो शेयर है जो कंपनी इशू कर रही है, और जो वहाँ बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की वो है जो कंपनी शेयर खरीद रही है। थोड़ा सा हाजिर रहा करो ना, बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं कई दफा। जी तो क्वेश्चंस निकालें जी, क्वेश्चन 81। उसके एंड पे होंगे क्वेश्चन मेरे ख्याल। जी एग्जांपल 11 निकालिए, पेज नंबर 86, छोटा सा क्वेश्चन है। पेज नंबर 86, ट्रैंगो लिमिटेड के नाम से एग्जांपल 11। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रैंगो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 में देखो आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है कितनी है, इंटरेस्ट चार्जेस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, जिस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दी हो वहां पर वर्किंग काफी कम बनती है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट तो लाजमन दी होगी। नीचे देख लो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अच्छा, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दी हुई, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल, अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस और टैक्स पेएबल, ठीक है। वो कहता है प्रेजेंट द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज दे वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग द डायरेक्ट मैथड। अच्छा, ये डायरेक्ट मैथड लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसी को इनडायरेक्ट मैथड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा, तो इसी क्वेश्चन को हम बेस बनाते हैं और इनडायरेक्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। परफॉर्मा आपको जो पढ़ा है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपने परफॉर्मा पढ़ा है वो आपके जेहन में होना चाहिए, ताकि आप इजीली उसको अप्लाई कर सकें। जरूरी नहीं है कि उस परफॉर्मा में जितनी चीजें हमने पढ़ी थी सारी इस क्वेश्चन में मिल जाएंगी, आप देखोगे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वो परफॉर्मा आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले हम करेंगे ये, और चूंकि सिर्फ ऑपरेटिंग का इसे पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमने स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कोई
क्वेश्चंस सामने रखिएगा जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका जी? 102,000, खुद चेक करते रहना साथ साथ, 102,000। अच्छा, अब हमने इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमने एडजस्ट करना है इस प्रॉफिट को, हमने कन्वर्ट करना है टैक्स में, कैश में। और कैश में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों के एडजस्टमेंट करनी है, एक तो नॉन कैश आइटम्स की और दूसरा नॉन रिकरिंग आइटम्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आइएगा एडजस्टमेंट में। हमने क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेट्स सी, उसने खोल के दिया हुआ है, अगर गौर से देखो वो अदर एक्सपेंसेस में लिखता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 46,000। इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका आपको आना चाहिए। एडजस्टमेंट में लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंड दैट डेप्रिसिएशन इज 46,000। और इसको मैंने एक ही कॉलम इसलिए यूज किया क्योंकि ये पूरी कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो फिर एक ही कॉलम में हम बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था एमोर्टाइजेशन, वो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इम्पेयरमेंट नहीं है। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो गिवन है। अब देखो, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट 9,000। बताइए इसको प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस करेंगे जी, प्लस करेंगे। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट और ये अमाउंट है हमारे पास 9,000। अच्छा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था बैड डेट्स वगैरह, वो भी इस क्वेश्चन में मुझे नहीं नजर आ रहे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी नहीं है। इवन किसी किसी की कोई प्रोविजन भी नीचे, वो जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसमें प्रोविजन भी कोई नहीं दी हुई। सब कुछ छोड़ते जाएंगे। अब फिर एंड में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करना है। वैसे नॉर्मली मैं समझाने के लिए तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला ऐसा ये होता है कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड नॉन कैश आइटम सारी ले आओ, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखी। इसमें डेप्रिसिएशन हो सकती है, इसमें अमोर्टाइजेशन हो सकती है, इसमें इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है, इसमें लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट हो सकता है। दूसरे नंबर पे, फिर दूसरे स्टेप पे, इसके बाद आप अदर नॉन कैश आइटम चेक करें, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, एक्सेट्रा। इस किस्म की तमाम आइटम्स चेक करो। जब ये भी हो जाए तो तीसरे स्टेप पे दो चीजें लाजमन करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को एड बैक करना है, फाइनेंस कॉस्ट को एड बैक करना है। तो यहाँ इंटरेस्ट चार्जेस दिए हुए हैं, सारा एड बैक कर लो। इंटरेस्ट चार्जेस ये हमारे पास हैं 24,000। ठीक है, और साथ ही इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम या इनकम, फिर डिविडेंड को दो हिस्सों में ना कंफ्यूज होना। डिविडेंड इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम वो है ही नहीं सिरे से इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस इतने हिस्से को पहले टोटल करते हैं और ये सारे प्लस हो रहे हैं। 102 + 46 + 9 + 24 181,000। इसको हम लिखेंगे कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल की तरफ आइएगा, यानी मेन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ये नीचे लिस्ट डाउन है। इसमें अब आपने देखना है कौन सा एसेट लूं, कौन सा ना लूं। पहला दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल, पहले तो आप बताइए यस और नो। यस सर। ठीक है, अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज। अच्छा, ये एक चीज और मैं बताऊं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो कॉलम दिए होते हैं जिस तरह आपके सामने है। इधर देखो, 1 जनवरी 2015 पहला कॉलम है, 31 दिसंबर 2015 दूसरा कॉलम है। यानी फर्स्ट कॉलम जो है वो ओपनिंग बैलेंस है और सेकंड कॉलम क्लोजिंग बैलेंस है। और ऐसा भी होता है कि पहला जो कॉलम है वो क्लोजिंग हो और दूसरा ओपनिंग हो, यानी कई दफा ऐसे भी होता है। ये जरा ख्याल से देखना है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग पहले है तो 157 ओपनिंग था, 173 क्लोजिंग था, तो ये इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल,
कितने से इंक्रीज हो रहा है? 16 से. अच्छा, अब अगर अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है. सिंपल लॉजिक देखा करो, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो कैश पे क्रेडिट होगा, यानी मेन माइनस होगा. तो आप ये 16,000 यहां से माइनस करोगे. अगली आइटम इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री लोगे? यस सर. यस सर. ठीक है जी. और ये देखो इन्वेंट्री तो ये डिक्रीज हो रही है. यस सर, कैश इंक्रीज होगा जी. और डिक्रीज हो रही है 4,000 से, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होगा. थर्ड ट्रेड पेएबल है, क्या ये लूं या नहीं? ट्रेड पेएबल. यस सर, ले जी. ठीक है, तो ये भी देखो तो डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल. और ट्रेड पेएबल डिक्रीज हो रहे हैं 43,600 माइनस 35,700 कितने से? 7,900 से. तो बताइए कैश प्लस करूं माइनस? प्लस. माइनस होगा ना, लाइबिलिटी. यस हाँ, लाइबिलिटी है ना. जब ट्रेड पेएबल आप पे करोगे तो कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब कैश आउट हो रहा है. अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज ये लेनी चाहिए मुझे यहाँ पर? नो सर. अगर नहीं लेता तो फिर क्या फेस पे शो हो जाएगा कहीं? मैंने आपको लॉजिक बताई थी ना कि कौन सी आइटम्स नहीं लेनी. वो तमाम आइटम्स जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हों, या वो तमाम आइटम जो के ऑलरेडी जिसका इफेक्ट आप फेस पर शो कर चुके हो. बताइए. देखो अक्रूड का कहीं मैंने नहीं बताया था, सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट की डिस्कशन हुई थी. तो अक्रूड वेजेस बिल्कुल आएंगी, और अक्रूड वेजेस अगर आप देखो इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज इन अक्रूड वेजेस. और चूंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 600 से, तो कैश भी इंक्रीज हो जाएगा. उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस, हाँ ये नहीं लोगे क्योंकि ये नॉर्मली फेस पे आता है, इसको छोड़ दो. और उसके बाद टैक्स पेबल भी नहीं लोगे क्योंकि हमें टैक्स पेड जो है वो लाजमन शो करना होता है. अब यहां तक आप प्लस कीजिएगा, प्लस माइनस. अब यहां से आगे दो माइनस हो रही है, दो प्लस हो रही है. अमाउंट ध्यान से कीजिएगा. $161,761,700 की जो अमाउंट आ रही है, इसको लिखूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है. अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम दो चीजें, एक इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड. ठीक है. अब मैं लूंगा इंटरेस्ट पेड. अब इंटरेस्ट पेड के लिए मुझे पहली वर्किंग बनानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है और ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है. तो यहां से हम जो लेजर बनाएंगे वो अक्रूड इंटरेस्ट का है. अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर. अक्रूड का ओपनिंग बैलेंस क्या है इंटरेस्ट का? 11,200. और जो इंटरेस्ट आपने एसओसीआई को चार्ज किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो 24,000 क्रेडिट होगा. जितना मैंने पे किया है यही तो मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, इसको छोड़ देंगे. और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10,000. आप इसको प्लस माइनस करते हैं तो 35,200 में से लेस किया 10,000,
25,200 मेरा कैश है, ठीक है, ये 25,200 मैं यहां से माइनस कर देता हूं। उसके बाद हमें लेना टैक्स पेड, और टैक्स पेड की भी वर्किंग बनेगी क्योंकि टैक्स पेएबल का लेजर उस बैलेंसेस गिवन है, सेम इसी तरह बनेगी जिस तरह अक्रूड की बनाई है। टैक्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस 45,000 क्रेडिट साइड पे आएगा, और जितना टैक्स एक्सपेंस आपने एसओसीआई को ट्रांसफर किया है वो 38,000। ऑब्वियसली जो पे किया होगा वो बैलेंसिंग वैल्यू में निकाल लूंगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 41,000। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा और बैलेंसिंग फिगर निकालें 42,000। ये मेरा टैक्स पेड आ जाएगा 42,000, और जैसे ही इसको लेस करता हूं तो ये मेरा आंसर भी आ गया, ऑपरेटिंग ये मुकम्मल हो गया। इसको कैलकुलेट कर लें, 94,500। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो या इनडायरेक्ट से, आंसर हमेशा सेम आता है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्ट से नहीं करवाना। अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क में एग्जांपल नंबर 12 नार्डोन लिमिटेड, और एक से तो गुजारा नहीं होना, रोजे हैं, आराम से बैठो करते जाओ, कि जो चीज इसका सलूशन ना देखना देखोगे तो सही, खैर वो तो मैं रोक नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन ये कि जो नहीं समझ आई तो मुझसे डिस्कस जरूर करना। और एग्जांपल 12 और 13 दोगे बता दीजिएगा, मैं तो बोलता जाऊंगा, जब रुकने का कहेंगे मैं रुक जाऊंगा। 12 और 13 दो हो गए, और 14 क्वेटा ट्रैक लिमिटेड। ये तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, उम्मीद तो है कि ये इंशाल्लाह हो जाएंगे आपसे, नहीं होंगे तो फिर डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। मैं जरा अब अटेंडेंस लगाऊंगा।